अक्टूबर 2024 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है, 60 से लेकर 70,000 तक का बजट है, इवन 50 से 60 का भी बजट है, तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप 10 लैपटॉप बताऊंगा जो कि इस बजट रेंज में काफ़ी ज़्यादा सही है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अमेज़न पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अभी आई थी, पिछले हफ्ते से चल रही है और इवन अभी भी चल रही है। लेकिन क्या होगा कि अभी वो सेल बंद हो जाएगी और कुछ लैपटॉप से प्राइस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का गोल ऐसा है कि अभी आने वाली सेल्स भी जो है ना, दिवाली सेल फॉर एग्जाम्पल, उसमें ये आपको हेल्प कर दे एक अच्छा लैपटॉप डिसाइड करने में। और जैसा कि आपने देखा ही होगा, मेरा पुराना वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पुराने प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स भी रिकमेंड किए थे। लेकिन इस वीडियो में मेरा फोकस है कि मैं आपको सिर्फ नए वाले प्रोसेसर के साथ में 13th जनरेशन इंटेल के या फिर राइजन के भी होते 7th जनरेशन या 8th जनरेशन के लैपटॉप बताऊं। आपको अभी की डेट में ना पुराने जनरेशन का लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए जो प्रोसेसर पुराने हो चुके हैं। इस केस में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बाकी आपका फोकस होना चाहिए कि आप नए वाले प्रोसेसर के लैपटॉप ही खरीदो, क्योंकि अभी 12th जनरेशन थोड़े से आउटडेटेड हो जाएंगे। हालांकि अगर उन पे बहुत हैवी डिस्काउंट है तो ही आप उसे कंसिडर करना। 60 से 70,000 का जो प्राइस रेंज होता है, अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको थोड़ा सा प्रो लेवल का काम करना है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, थोड़ी वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर थोड़ी अच्छी खासी कोडिंग करनी है। अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो बस आपको एक प्रीमियम लुक एंड फील का लैपटॉप चाहिए, तो उस केस में ये सारे टाइप के लैपटॉप को मैंने इंक्लूड किया है इस लिस्ट में। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा लैपटॉप आपके यूज केस के हिसाब से सही बैठता है। सबसे पहला लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूंगा, एप्पल का मैकबुक एयर M1 चिप वाला। हालांकि बहुत मानता हूँ कि ये बहुत पुराना लैपटॉप है। अब मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 52,000 का बिक रहा था, और मैं कहता हूँ 52,000 के प्राइस के हिसाब से, इवन ये 60,000 में अभी जैसे बिक रहा है 59,000 समथिंग पे, इस प्राइस रेंज में भी आपको विंडोज़ में कोई भी लैपटॉप इसके आसपास की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। सच्चाई तो ये है, और इस वजह से मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको एक फैंसी सा दिखने वाला लैपटॉप चाहिए प्लस एप्पल के लोगों के साथ दिखने वाला एक लैपटॉप चाहिए, आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि सिर्फ 13 इंच का है, कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है, लेकिन आप ट्रेवल वगैरह करते हो और MS ऑफिस जैसा कुछ काम करना है या फिर इवन आपको फोटोशॉप जैसी चीज़ें चलानी है, उन सब केस में एप्पल का मैकबुक एयर M1 चिप के साथ में बहुत ही सही रहेगा। स्टोरेज इसमें थोड़ी कम है, आपको 256 GB पे ही सर्वाइव करना होगा, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल SSD वगैरह खरीद सकते हो। अभी पिछले 2 महीने पहले ये 70,000 के बजट में मिलता था लैपटॉप, लेकिन अभी अक्टूबर के महीने में अगर आप खरीदते हो सकता है आपको 60,000 से नीचे पड़ जाए। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये है डेल का इंस्पिरॉन 5430। ये काफ़ी ज़्यादा सही लैपटॉप है 65,000 के बजट का, और दिखने में भी काफ़ी सही है लैपटॉप। ये जो डिज़ाइन इसका आया है ना डेल का, बहुत सही है। इस लैपटॉप में आपको इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर मिलता है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD और साथ में बैकलाइट कीबोर्ड फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है आपको। विंडोज 11 MS ऑफिस का भी सपोर्ट दिया गया, थंडरबोल्ट 4, ये सब कुछ है। तो इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है डेल की तरफ से, ना ही कोई कंजूसी की गई है। इस वजह से मैं इसको मतलब एक परफेक्ट पिक बोलूंगा। अगर आपको थोड़ी कोडिंग वगैरह करनी है, कॉलेज स्टूडेंट टाइप को आपको कैरी करना होता है ना लैपटॉप, तो ये बहुत सही रहता है ये ऐसा ऑप्शन, और इस लैपटॉप में आप कोडिंग भी बहुत ही सही कर पाओगे। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ, HP पवेलियन प्लस। मान लो अगर आपको डेल नहीं खरीदना है, थोड़ा अलग लैपटॉप खरीदना है, तो HP का पवेलियन प्लस आप ये खरीद सकते हो। ये भी काफ़ी सही है, सेम टू सेम ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन पे आता है। फ़र्क इतना सा है कि इसमें जो है आपको LPDDR5X रैम मिल जाती है 16 GB की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी सेम प्रोसेसर है i5 1335U, 512 GB की है, SSD भी मिलती है इसमें। विंडोज 11 और MS ऑफिस का सपोर्ट इस HP के लैपटॉप में भी दिया गया है। इस लैपटॉप में डिस्प्ले भी थोड़ा ढंग का है, ये IPS डिस्प्ले है एक तरह का, WUXGA टाइप का, जो है IPS से थोड़ा सा बेटर होता है। तो आपको डिस्प्ले में विविड कलर्स वगैरह भी दिखाई दे जाएंगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्योंकि ये यू सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो ये जो डेल और HP दोनों मैंने बताया, इसमें आपको बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक से मिल जाएगी 5-6 घंटे की, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ, ये है लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 5। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, 58,000 में ये बहुत ही ज़्यादा सही लैपटॉप रहेगा। साथ में इसमें आपको एक OLED डिस्प्ले मिलता है, वो एक हाईलाइटिंग फैक्ट है इस लैपटॉप का। आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इंटेल i5 1335U के मुकाबले ये जो राइजन 57530U है कमज़ोर है थोड़ा सा। हालांकि इस लैपटॉप में अगर आपको हल्की फुल्की सी गेम खेलनी है या फिर फोटोशॉप चलाना है, Adobe Illustrator चलाना है, उन सब के इसमें बहुत सही है। एक एडिशनल एडवांटेज है कि 16 GB की रैम के साथ में आपको 1 TB की SSD मिलती है, तो स्टोरेज ज़्यादा मिल जा रही है इसमें।
विंडोज 11 MS Office 2021 यहाँ पर भी प्रोवाइड किया गया है और बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी आपको मिल जाता है इस लैपटॉप में। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ एसर का स्विफ्ट गो OLED। अब इसमें OLED डिस्प्ले आता है, एसर के स्विफ्ट गो सीरीज जो आई काफ़ी अच्छी सीरीज है और इसका प्राइस अभी बहुत सही है, ऑलमोस्ट 70,000 के करीब था और अब सिर्फ 60 से नीचे के प्राइस पे बिक रहा है। तो दिस इज़ फैंटास्टिक लैपटॉप टू गो विथ। इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर तो मिलता है लेकिन वो है i5 का 13500H जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। साथ में इसमें आपको 16 GB की रैम और 512 GB की SSD भी मिल जाती है। विंडोज़ 11 होम और MS ऑफिस भी जो है इसमें प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ वैसे तो नहीं किया गया है, यहाँ पे डिस्प्ले भी कलर एक्यूरेट सा है। अगर आपको जो है ना बहुत ही सही फोटोशॉप वगैरह कुछ करना है ना तो ये लैपटॉप खरीदना बहुत सही रहेगा। इसमें कलर एक्यूरेसी भी मिलती है तो आपको कलर्स भी बहुत ही एक्यूरेट दिखाई देंगे अपने स्क्रीन पे। ये तो ये बात हो गई सारे जो है ना कॉम्पैक्ट लैपटॉप्स की, इसमें आप 13 इंच 14 इंच दोनों मैंने बता दिए। अब बात करते हैं बड़े लैपटॉप्स की 15 इंच। अगर आपको फुल साइज़ कीबोर्ड चाहिए होता है अपने लैपटॉप में और एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप सबसे पहला लैपटॉप ये वाला खरीद सकते हो, डेल का इंस्पिरॉन 15। ये काफ़ी ज़्यादा सही लैपटॉप रहेगा, ऑलमोस्ट जो डेल का लैपटॉप मैंने 14 इंच में बताया ये उसी का वेरिएंट है एक तरह से देखा जाए तो। इसमें भी इंटेल का कोर i5 1335U लगा है, 8 GB की रैम है और 1 TB की जो है यहाँ पर SSD लगाई गई है तो सब कुछ बैलेंस सा है, बहुत ही ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। ऑफकोर्स आपको डेल की ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर के कारण बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसे कि डिस्प्ले इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही 120Hz का एक WVA टाइप का डिस्प्ले लगा, बहुत ही बेसिक सा डिस्प्ले है 250 nits की ब्राइटनेस वाला। बैकलिट कीबोर्ड आपको मिल जाता है इस लैपटॉप में तो नो प्रॉब्लम एट ऑल वहाँ पर। विंडोज 11 और MS Office 2021 भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है इंटेल का कोर i7 13620H प्रोसेसर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पावरफुल प्रोसेसर लगाया गया इसमें। बढ़िया सा IPS डिस्प्ले भी है, 300 nits की ब्राइटनेस वाला, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, विंडोज 11 MS ऑफिस। अब इस लैपटॉप की एक कंप्लेंट आपको हो सकती है बैटरी लाइफ कम। अब देखो जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना उनमें बैटरी लाइफ ऑटोमेटिकली कम ही मिलेगी, ये बात आप ध्यान में रखना। जब भी आप H सीरीज के प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीद रहे हो, ये जो इंटेल के होते हैं ना प्रोसेसर H सीरीज वो बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और उस केस में बैटरी लाइफ आपको कम ही मिलने वाली है इस लैपटॉप में। अगर आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए तो U सीरीज के प्रोसेसर वाले लैपटॉप खरीदो, एच सीरीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आपको एच सीरीज़ ख़रीदना है, बैटरी आप भूल जाओ। ऐसे लैपटॉप में आप अपना पावर अडाप्टर लगा के रखो और तभी इस्तेमाल करो। तो ये एक मेरी सलाह रहेगी। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि लैपटॉप अच्छा होने के बावजूद भी उसकी रेटिंग खराब हो जाती है और सिर्फ वो बैटरी लाइफ की वजह से। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 47 Wh की बैटरी लगाएगी और ब्रांड्स की एक गलती करते हैं अप टू 8 आवर्स का बैटरी लाइफ यहाँ लिख दिया। 8 आवर्स नहीं भाई, अगर मैं इस पे गेम खेलूंगा ना तो 45 मिनट भी बैटरी नहीं चलेगी, सच्चाई ये है। अभी मैंने रिसेंटली ही एक लिनोवो के लैपटॉप का रिव्यू बनाया था, आप जाके चैनल पे देख लेना, वो है गेमिंग का, उसमें ऑलमोस्ट 40 मिनट भी बैटरी नहीं चलती है। अब जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है कि 2 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक इन 15 मिनट, क्या आप सिर्फ 2 आवर्स तक वीडियो प्लेबैक ही करोगे? उसमें बैकएंड सर्विसेज भी तो चल रही होंगी ना, तो कोई कॉमन यूजर तो बहुत सारी सर्विसेज को बंद करके रखेगा नहीं तो बैटरी जल्दी ड्रॉप होगी ना, ये चीज़ ब्रांड्स को क्लैरिफाई करनी चाहिए। बाकी इस लैपटॉप में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा आप समझ सकते हो कि नॉर्मल सी बिल्ड क्वालिटी होगी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बिल्ड क्वालिटी आपको इस लैपटॉप पे नहीं मिलने वाली क्योंकि आपको इतने कम बजट में एक i7 का प्रोसेसर दे दिया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा सही बात है ये। आपको तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी होती फुल HD रेजोल्यूशन की, आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी वहाँ पर। और साथ में आपको कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कवर करना है तो ठीक ठाक है, उसमें हो जाएगा। अगर आपको कोडिंग का जैसे यूज़ केस है ना तो उसके लिए बहुत ही सही रहेगा, बस थोड़े से ये लैपटॉप हीट भी ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली एच सीरीज़ का जो प्रोसेसर है वो डेफिनेटली थोड़ा गर्म ज़्यादा होता है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला लैपटॉप है एसस का व्यूबुक 15 OLED। ऑफकोर्स इसमें जो है बढ़िया सा डिस्प्ले है OLED वाला, इसमें लगा हुआ इंटेल का कोर i5 1335U। अच्छा तो मैं कोडिंग के लिए एक बात आपको बताऊं कि अगर आपको जैसे कोडिंग करनी है, मेरे पास एक ये लैपटॉप पड़ा हुआ है डेल का, ठीक है, काफ़ी अच्छा सा हाईफाई से लैपटॉप है, इस पर भी यू सीरीज़ का प्रोसेसर है और मुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं कि जितना भी जो कोडिंग का जो प्रॉब्लम है ना यू सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ में बहुत सही है। उसका रीज़न ये है ना कि ये जो है काफ़ी पावर इफिशेंट होते हैं, इस लैपटॉप की बैटरी ऑलमोस्ट 8-9 घंटे तक चल जाती है, बड़े आराम से चलती है। तो
ये एक फैक्ट है कि आपको यू सीरीज के प्रोसेसर पे जाना चाहिए अगर आप कोडिंग इंथुसियास्ट टाइप के हो, आपको कोडिंग करनी है, लेकिन कहीं आपको यूज केस ऐसा है कि मशीन लर्निंग या डेटा साइंस जैसा कुछ करना है तो फिर आपको एच सीरीज पे चले जाना चाहिए। तो ये दो बात आप ध्यान में रखना अगर आप कुछ ऐसे यूजर हो, तो ये बात मैं क्लैरिफाई करके बता दूं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए, अगर आप फ्रंट एंड वाले टाइप के डिजाइन करते हो तो यू सीरीज बहुत सही है, अगर आप बैकएंड डिज़ाइन करते हो, ज़्यादातर अगर एल्गोरिथम रन करने होते हैं तो फिर एच सीरीज़ के प्रोसेसर इंटेल की तरफ से ज़्यादा सही है। राइजन को भूल जाओ, कोडिंग के लिए राइजन का मत खरीदना, दैट्स ऑल। एनीवेज, अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ वो है एसिस का वीओ 16X। बहुत ही सक्सेसफुल लैपटॉप रहा है और ये एक कॉमन एक्सेप्शन लैपटॉप है जो कि मैं 12th जनरेशन का रिकमेंड कर रहा हूँ। ये लैपटॉप मैंने अभी देखा था रिसेंटली 55,000 में बिक रहा था, 55,000 में, विच इज़ अमेजिंग प्राइस। तो जब भी ये फिर से अवेलेबल होगा सेल वगैरह में तो हो सकता है इसका प्राइस उतना ही रहे, 55 से लेके 60,000 पे। अगर आपको इंटेंस वीडियो एडिटिंग करनी है, चाहे आपको इवन 4K लेवल तक की वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा सही है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो है इंटेल का कोर i5 12500H प्रोसेसर मिलता है। ये भले ही एक जनरेशन पुराना है लेकिन इसमें आपको RTX 2050 का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है डेडिकेटेड का, वो भी स्लिम डिज़ाइन के लैपटॉप में, जो कि काफ़ी सही बात है। और प्लस इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट वाला एक बढ़िया सा डिस्प्ले लगा है 16 इंच का, जिसकी वजह से आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग भी कर पाओगे। बस ये लैपटॉप गेमिंग के लिए ऐसा डिज़ाइन नहीं है, तो हो सकता है कूलिंग उतनी अच्छी ना हो, जैसे कि इसमें फैंस बहुत लिमिटेड होंगे, ऐसा गेमिंग की तरह बहुत ही कूलिंग वेंटिलेशन टाइप का लैपटॉप नहीं बनाया गया है, तो वो बात आप ध्यान में रखना। बाकी इसमें विंडोज 11 होम और MS ऑफिस दोनों का ही सपोर्ट दिया गया है। 50 वाट आवर की बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब इस लैपटॉप में आप बैटरी लाइफ भूल ही जाओ, मतलब एक तो एच सीरीज़ का प्रोसेसर और साथ में एक RTX 2050 का डेडिकेटेड ग्राफिक, मतलब अगर आपने इसमें गेम खेला तो 45 मिनट से ज़्यादा इसकी बैटरी नहीं चलने वाली है, साफ बात ये हो। और अगला एक फाइनल लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, 70,000 के ऑलमोस्ट बजट पे चला जा रहा है, लेकिन आपको 70,000 रुपये में बड़ा ही शानदार सा प्रोसेसर मिलता है। इंटेल का जो है कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर 155H, ये जो नए वाले प्रोसेसर लॉन्च हुए इंटेल की, जिसमें न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होती है NPU, AI इनेबल टाइप के प्रोसेसर हैं ये वाला प्रोसेसर लगा है इसमें। आपको ये जनरली ना, मतलब ये वाला प्रोसेसर का लैपटॉप 80 से 90 के बजट में मिलता है। अपने पिछले महीने के वीडियो में मैंने बहुत सारे लैपटॉप जो 80-90 हज़ार के बजट में रिकमेंड किए थे उसमें ये प्रोसेसर मिल रहा था, और अभी MSI का एक ये लैपटॉप एक्सेप्शनल है जो कि सिर्फ 70,990 पे मिल रहा है और इसमें वही सेम प्रोसेसर लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सही प्रोसेसर है ये। 16 GB की रैम, 1 TB की आपको SSD भी मिल जाती है, विंडोज 11 होम है, MS ऑफिस नहीं है, प्लस इसमें इंटेल का आर्क ग्राफिक्स लगा हुआ है इंटीग्रेटेड वाला, तो ये जो ग्राफिक है आयरिस एक्सी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सही है इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक। साथ में आपको एक IPS लेवल का डिस्प्ले मिलता है, बहुत ही बेसिक सा डिस्प्ले है, Wi-Fi 6E का सपोर्ट है, Bluetooth 5.3 भी दिया गया है और कोई भी खास इसमें कंप्लेंट्स नहीं है। अगर आप चाहते हो फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर मिसिंग है, उसके लिए आप फिर किसी और लैपटॉप पे जा सकते हो जो डेल और इसके वाले मैंने बताए। इस लैपटॉप का एक यूज केस बन सकता है कि आपको कोई भी टास्क करने हो, जनरल टास्क, कॉमन फोटोशॉप वगैरह संबंध, मतलब वो सब तो इसमें आराम से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इवन इसमें थोड़ी वीडियो एडिटिंग भी ज़्यादा सही हो जाएगी। इंटेल के जो ये प्रोसेसर्स आए हैं ना कोर अल्ट्रा सीरीज़ वाले, तो इनमें जो है ना ज़्यादा सही ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस मिलती है, जिससे बैटरी भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अब जो कोर i3 i5 i7 टाइप के प्रोसेसर थे उसका एस सीरीज़ अलग था, और अभी इसमें थोड़ा वो चीज़ और भी ऑप्टिमाइज़ की गई है, तो इसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगी आपको। प्लस इसमें क्योंकि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है तो टास्क को हैंडल करने का एक अलग AI बेस्ड मैकेनिज्म हो जाता है प्रोसेसर में, तो उसकी वजह से आपको और भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आपका एक कंसर्न हो सकता है कि MSI के लैपटॉप खरीदें या ना खरीदें, तो MSI के लैपटॉप आप तभी खरीदना जब आपके शहर में एक नियरेस्ट कोई सर्विस सेंटर वगैरह हो, अदरवाइज ठीक है, मतलब यू कैन जस्ट इग्नोर दिस। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।